जैसा पूरे जिस बात को आपने जो बोला उसमें मैं कुछ निकालूं तो उसका ये निकाल दूं कि एक जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा की वजह से जो असली मुद्दे हैं वो छुप रहे हैं, ठीक है। वो मैंने अपनी शुरुआत में उस कॉन्टेक्स्ट में भी सब बताया कि असल मुद्दा क्या हो जाता है। तो आप ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं आप तीनों से सवाल कर लूं, इस प्रोपेगेंडा को आप डील कैसे करेंगे, उसको सॉल्यूशन क्या है? और मैं ये सब बारी बारी सबसे ये आंसर लेना चाहता हूं। जरूर जरूर, मैं ही पहले इसका आंसर दे देता हूं। देखिए, पहली तो बात ये है कि आप उस फोर्स से लड़ रहे हैं जो फोर्स इस देश के अंदर लगभग 95-96 साल से कार्यरत है। और उस फोर्स की खासियत क्या है, वो कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फ्रंट पे नहीं रखती है। वो दूसरे के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इस देश में चुपचाप अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करती रही है। मतलब इस देश को रूल कांग्रेस ने किया और सबसे बड़ा स्कूल का चैन आरएसएस का है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है देख लीजिए, रूल कांग्रेस ने किया उस हिसाब से सबसे बड़ा स्कूल का चैन कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का आरएसएस का है। इस देश के अंदर पावर सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का रहा, सबसे ज़्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो बीजेपी के हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, बाकायदा वो कोचिंग बना करके अपने ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड करते हैं और पहले उनको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भेज करके उनके दिमाग में खास कम्युनिटी के प्रति नफरत भरते हैं। उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने कोचिंग में तैयारी कराते हैं और फिर वो जब डीएम बन करके जाते हैं तो उनके सामने दंगा होता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया है। एक बात, आज वो स्थिति में है कि वो अपने एजेंडा को फोरफ्रंट पे रखते हैं। पहले वो दूसरे के एजेंडा को फोरफ्रंट पे रखते थे। मारी गई इंदिरा गांधी, लेकिन दंगा कराने में आरएसएस का हाथ था, अफवाह फैलाने में आरएसएस का हाथ था। तो पहले वो क्या करते थे कि दूसरे के एजेंडे के कॉन्ट्राडिक्शन में घुस करके अपने एजेंडे को वो प्लेस करते थे। आज जब ये फुल मेजोरिटी से पावर में आए हैं, फोर फ्रंट पे अपने एजेंडे को रखते हैं। और इनका एजेंडा क्या है कि इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मनुस्मृति से रिप्लेस करना है। इस देश के अंदर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई करना है। इस देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमी के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उसको जस्टिफाई करना है। लड़ेंगे कैसे इससे? देखिए, कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी सुपर बॉस हैं और हम लोग जो हैं वो कठपुतली हैं। तो हम लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, एक बॉल फेंक देते हैं, फिर हम लोग उस बॉल को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कोई और बॉल फेंक देते हैं, फिर वो कोई और बॉल फेंक देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा जो है चुपचाप जो है चुपचाप बैकग्राउंड में रिप्लेस करते जा रहे हैं इस देश के अंदर, और हम लोगों को किसी फर्जी एजेंडे में फंसाते रहते हैं। तो पहला काम ये करना चाहिए सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को कि अपने एजेंडे पे प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, पॉलिटिकल आंदोलन करना जरूरी है, अपना एजेंडा सेट करना जरूरी है। एक बात, दूसरी बात ये है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट ट्रूथ का दौर खड़ा किया गया है, तो उसमें मैं बहुत आश्वस्त होकर के एक बात कहता हूँ कि आम के पेड़ के नीचे जाकर के कहेंगे कि कटहल है कटहल है कटहल है, तो क्या उससे कटहल का फल निकल जाएगा कि उसे आम ही फलेगा? नहीं फलेगा, लेकिन अगर फलेगा तो आम ही फलेगा। पोस्ट ट्रूथ रियलिटी में कहीं कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, वो होता नहीं है। और ये जो डिजिटल वॉर है, ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, तो डिजिटली आप इनको हरा नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्टेट पावर को कैप्चर कर चुके हैं। रोज नया चैनल खरीद लेते हैं। अभी जी न्यूज वालों ने एक और नया FM खरीद लिया है, तो दिन रात फिर उस पर भी चलाएंगे ये कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा। तो डिजिटली तो आप उस तरीके से इनको काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह है जहां आप इनसे काउंटर कर सकते हैं, चप्पल घिसने में। क्योंकि जब सत्ता पे काबिज हो जाती है कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ भी बेसिकली यही हुआ, जब वो लगातार पावर में रहने लगी तो उसकी जो सबसे बेसिक संस्था थी सेवा दल कोलैप्स कर गई, सेवा दल खत्म हो गई, जनता के बीच जाना बंद कर दिया। सारी लड़ाई यही थी कि बलिया से MP कौन बनेगा। मतलब पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन जो है वो राहुल जी का बर्थडे मनाने में खत्म हो गया और इस देश के एजेंडे पे कोई पॉलिटिकल संघर्ष कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये जो चप्पल घिसने का कोई विकल्प नहीं होता है, इस विकल्प को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। कितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन मास में जाकर के अगर सच एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए तो सच को एस्टेब्लिश करना हमेशा आसान होता है। सिंपली लोग कहें अच्छे दिन आ गए, बिजली के बल्ब बन गए, एक बात जाकर के पूछिए दाल कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं। देखिए, एक संगी भी कहेगा 200 रुपए किलो, तो आया अच्छा दिन। ये सवाल जो है आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और मास कॉन्टैक्ट को अगर इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एग्री करना चाहता हूँ अपने साथी से कि आज के समय में जो अपोजिशन की हालत है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आरएसएस बीजेपी का अकेले मुकाबला कर सके। एक मिनिमम एजेंडा बना करके हो सकता है कि मेरे संगठन में 10 लोग हों और आपके संगठन में 1000 लोग हों, लेकिन 1010 लोग अगर इस सवाल पे एकजुट हों कि हम हायर एजुकेशन में फंड कट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश से जो है 5 लाख लोगों को जमा करके मोदी जी के सामने जा करके कहेंगे कि मोदी जी सूट तो पहन लिए, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हमारा 2 करोड़ रोजगार दीजिए, इस एजेंडे पर अगर हम काम किए करें तो पॉजिटिवली जो हम इनको डिफीट कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, आप निगेटिवली जितना भी मोदी मोदी करें, फायदा आप उन्हीं को पहुंचा रहे हैं। 2002 गोधरा कांड और दंगा, इसके अलावे किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं की गई। गुजरात के अंदर कैसे किसानों की जमीन छीन ली गई, कैसे दलितों को सेग्रीगेट कर दिया गया, कैसे मुसलमानों को घेटोज में डाल दिया गया, कैसे महिलाओं पर एक से एक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए, कैसे सरकारी फंड को डाइवर्ट करके आरएसएस की अनुसंगिक संगठनों को पहुंचा दिया गया, ये सवारे सारे सवालों पर चर्चा नहीं हुई। आज भी जो कैंपस के अंदर हो रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मिसिंग है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज बचेगी ही नहीं। तो इन सवालों को लेकर के पॉजिटिवली जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। और ये जो एक सिचुएशन है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मिल करके लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे जी। शहजाद कॉमरेड की काफ़ी बातों और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे कि विपक्ष हाँ। अच्छा विपक्ष नहीं दे पा रहा है। जी नहीं, मैं इसका भी जवाब दूंगा, मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं। शुरुआत करूं कि हम किस तरीके से इसका मुकाबला कर सकते हैं, और इस बात से तो मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि सारी सेक्युलर लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस को, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जो कॉमन इश्यूज़ है और पॉजिटिव इश्यूज़ पे, नॉट जस्ट ऑन द नेगेटिव इश्यूज़, उस पे यूनाइट होना चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं और इसीलिए मैं कभी संकोच नहीं करता, चाहे वो कॉमरेड की तारीफ करना हो या उनके लिए आवाज़ उठाना हो, चाहे कोई मुझे भी देशद्रोही घोषित कर देता तब भी। तो ये पहली बात है, आपको पहले समझना होगा कि ये मनुवादी जो व्यवस्था है ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है, ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक। इससे ज़्यादा तो ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है, ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये इन्होंने उलझा दिया हमें, देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में, एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूँ, उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है, विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरों को भी देना और बड़े बड़े देना है, रोहिया को देना है, अडानी को देना है, अंबानी को देना है, कैसे करेंगे? तो ये सब ड्रामा रचा जाता है और इस चर्चा के दौरान इन चीज़ों को पुश किया जाता है। जैसे एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, किसी ने चर्चा नहीं की है। एलपीजी आज 700 से अधिक रुपए का मिल रहा है एक सिलेंडर, वो कहते हैं नॉन सब्सिडाइज, मैं नॉन सब्सिडाइज से खाता हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, अब मुझे कम खाना पड़ेगा। ठीक है, ये सच्चाई है, पर कोई चर्चा नहीं है। तो शहजाद, मेरा सवाल यही है आपसे, क्योंकि मैं समय हाँ। कम है, इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ कि अगर यही जो समस्या है जो आप गिना रहे हैं, इसको, इस प्रोपेगेंडा को, और इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, क्या वही जो कन्हैया गिना रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं? मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये चाहूंगा कि हम लोगों को पहले तो हमारे एजेंडा जो है प्रायोरिटाइज करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, हम लोगों को देखना होगा कि जब तक हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एजुकेशनली एम्पावर नहीं होगा और इसके पास स्किल्स नहीं होंगे, तब तक वो एक मैच्योर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता, और तब तक उसके मन को ये मनुवादी सोच और हिंदुत्व की सोच पे बहला के बहकाया जा सकता है। आप जेएनयू में ये ट्राई करो, ये जो ये लोग लड़वाते लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान, ये यहाँ पर नहीं काम करती। इसीलिए तो जेएनयू को
अरे सौरभ शर्मा ने कह दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई बाधा सबसे बड़ी है वो जेएनयू है, और जेएनयू टॉप 25 में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। जितने जेएनयू बनेंगे और जितने लोग जेएनयू जाएंगे और उस तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, उतना वो लोग एजुकेशनली अपने आप को एम्पावर करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, और ये सब फर्जी डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं, और वो इसका हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे, उनका शिकार नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये लोगों को पीछे रखना चाहते, इसलिए इकोनॉमिक बजट में एजुकेशन पे कट्स किए गए 15-16%, हेल्थ पे कट्स किए गए। अब ये लोग जो है साढ़े हर साल 2-1 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैसा उनको ना देकर यहाँ के जो युवा है इनको अपना बिजनेस लगाने दो। मान लो ये युवा लोगों ने, इनमें से 20% ने भी लोन वापस नहीं किया, अरे फिर भी अंबानी अडानी से तो बेहतर है ना, उन्होंने तो 6 लाख करोड़ के लोन नहीं वापस दिए। यहाँ के युवा 6 लाख में से 60,000 करोड़ वापस नहीं देंगे, कम से कम 5 लाख करोड़ के उद्योग तो लग जाएंगे, नौकरियां तो लग जाएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बन जाएंगे, और जब बन जाएंगे तब ये हिंदू मुसलमान के डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं। तो ये एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा, विमेन रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों को, सब लोगों को तय करना होगा कि विमेन को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिले पार्टी में भी, उनको पार्टी के ऑफिशियल ऑफिस बेरर्स भी बनाइए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी राजनीति में जिस दिन महिला 50% आ गई, ये तमाम जो फर्जी डिबेटें चलती है और मोदी जी जो ये नैरेटिव लेके आते हैं लोगों को बहकाने का, वो होगा ही नहीं, बिकॉज विमेन क्रिएट द बेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। कितने महिलाओं ने युद्ध करवाए भैया बताइए, वर्ल्ड वॉर कितने महिलाओं ने कराए? किसी ने नहीं कराया, महिला नहीं कराते वर्ल्ड वॉर। महिलाएं जो है उनके अंदर कैपेसिटी होती है, इमोशनल कोशेंट भी होता है, और उनके अंदर इंटेलेक्चुअल कोशेंट भी होता है इश्यूज को सॉल्व करने का। माफ कीजिएगा, मर्द शायद मेरी बात से पूरी तरह इत्तेफाक ना रखे, पर महिलाएं जो है हमारे देश के लिए सोल्यूशन है इफ़ वी प्रमोट देम। तो मैं चाहता हूं कि आपके यहां पे भी महिला कॉमरेड्स को प्रमोट किया जाए, मेरे यहां पे भी किया जाए, हमारे यहां तो अध्यक्षा हमेशा महिला ही रही है काफी साल से, पर और भी किया जाए। तीसरी बात, हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि देखिए कांग्रेस तो कई जगहों से निपट गई, ये बात ठीक है, पर भैया लेफ्ट भी तो कई जगहों पे निपट गई। लेफ्ट तो वेस्ट बंगाल में निपट गई, और वो क्यों हो रहा है? मैं इनको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि कन्हैया कुमार इज द न्यू फेस ऑफ द लेफ्ट, समथिंग दैट द लेफ्ट कैन लुक अप टू, दे शुड प्रमोट कन्हैया कुमार इवन मोर। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से यूके में मार्गरेट थैचर वॉज एग्जैक्टली लाइक मोदी, उसने दंगे नहीं करवाए वो अलग बात है, पर मार्गरेट थैचर उतनी अथॉरिटेरियन थी, उतनी कंट्रोल फ्रीक थी, उसको उसकी पार्टी ने बाद में रफा दफा कर दिया, पर उसके खिलाफ लड़ने में लेफ्ट पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था। टोनी ब्लेयर ने लेबर पार्टी में जो क्लॉज 4 था सोशलिज्म का, जो अनरियलिस्टिक है, मैं सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, सोशल वेलफेयर के मैं पक्षधर हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर पर बढ़ावा होना चाहिए, पर आप जो जिस तरीके की कम्युनिज्म एडवोकेट करते हो, जो पूरी दुनिया से मोस्टली गायब हो चुकी है, उसमें रिफॉर्म्स लाना आपको भी पड़ेगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर, ये सारे जो लोग हैं ये प्राइवेट सेक्टर के कंज्यूमर्स और पक्षधर हैं, आपको नई इकोनॉमिक रियलिटी को भी मानना पड़ेगा और उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और तब हमारी यूनिटी जो है वो ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिक्स है लेफ्ट की, इनकी नहीं, लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत नॉन एस्पिरेशनल है। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं लेफ्ट जाना चाहता हूँ, थोड़े लोग छोड़कर 90% ऑफ दिस कंट्री डजंट थिंक कि मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स इकोनॉमिकली करना चाहते, चाहे वो सोशल वेलफेयर पर लेफ्टिस्ट क्यों ना हो। यूनिटी ऑफ लिबरल फोर्सेज भी करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि जो रिजर्वेशन के जरिए, और ये मेरी पार्टी में भी लागू होता है, मेरे सीनियर लीडर भी यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि जो आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से वोट्स बहुत स्प्लिट होते हैं, जैसे राहुल उसका एक तरीका है, वो एक पिक्चर है, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो कम्युनिटीज़ को प्रताड़ित किया गया है 5,000 सालों तक या अल्पसंख्यक, उनको और रिजर्वेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जेन्युइन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्यों दे। मैं आपको एक आंकड़ा गिनाना चाहता हूँ, आपको पता है जम्मू कश्मीर छोड़ के 1982 के बाद मुस्लिम सीएम नहीं बना है इस मुल्क में। ये सभी की गलती है, लेफ्टिस्ट की भी है, मेरी पार्टी की भी है, सभी की गलती है। 1982 के बाद जम्मू कश्मीर छोड़ के देर हैज नॉट बिन अ मुस्लिम सीएम, देर हैज नेवर बिन अ दलित और मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। दीज आर क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी विच आई आस्क माई पार्टी एंड आई आस्क इट इन द लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव। मुझे लगता है ये इशूज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा, अगर हम लोग ये सब मिलकर करें, कम्युनिकेशन पर थोड़ा जोर दें। और देखिए कैनेडा में भी एक लिबरल फेस उभर कर जस्टिन ट्रूडो उभर के आया है। आई डोंट थिंक कि सिर्फ परिवार की वजह से होने से आप उसको नकार देना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो, सब लोग, सब लिबरल्स उसको बहुत चाहते हैं, शायद आपने भी शेयर किया होगा उसकी पिक्चर्स और उसके स्टैटसेस और एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि
परिवार से है या नहीं है इज नॉट द क्वेश्चन, कौन से वैल्यू सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है इस पे अगर हम लोग एकजुट हो जाए कि ये व्यक्ति या ये पार्टी या ये सोच इस वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि 2019 के बाद मोदी जी नहीं रहेंगे राजनीतिक रूप से और किसी तरीके। अब मैं आखिरी कमेंट अनुपम से ज़रूर लूँगी कि जो स्वराज इंडिया जिन जिन मुद्दों को अब उठा रहा है, चाहे वो किसान का मुद्दा है चाहे और एजुकेशन का मुद्दा है, इस पूरे प्रोपेगेंडा के बीच जहाँ पर बड़ी सतही से बहसें शुरू हो जाती हैं, कहीं एंटी नेशनल नेशनल ये सब बातें जो बहस हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस प्रोपेगेंडा को तोड़कर आप असली मुद्दे कैसे सामने ला पाएंगे? देखिए, एक तो कई बातों से सहमति है हम लोगों की, जो असहमत हो सकते थे उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। एक दिक्कत इस पूरे हम लोगों की चर्चा में यही हो रही है, खालीपन जो है वो वही है। अब बोगस नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, सहमति हम सब के बीच है, राष्ट्रवाद के नाम पे क्रिएट किया जा रहा है। हम लोगों को क्या सोचने की ज़रूरत है, वो ये कि हम ये जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले लोग हैं इनसे लड़ते 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 किस वक्त वैसे दिखने लग जाते हैं जहाँ हम खुद परंपरा भाषा विविधता संस्कृति विरोधी दिखने लग जाते हैं किसी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हो जाते हैं, इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये नैरेटिव इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इस नैरेटिव में ये जीत रहे हैं, इलेक्टोरली भी जीत रहे हैं, जो नैरेटिव क्रिएट करके माहौल बनाना है वो भी कर रहे हैं, और वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे में अब वो पोटेंशियल इनको लगता है नहीं है। आज का जनरेशन उनके उस खेल को समझ चुका है, इनको समझ में आ गया है कि उस बीफ पॉलिटिक्स में भी नहीं है, रिलीजियस डिवाइड बना के वो काम नहीं कर सकते जो ये नेशनलिस्टिक के नाम पे जो डिवाइड बना रहे हैं उससे कर सकते हैं। फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक पता नहीं किया नहीं किया, जो भी किया एक बाहर किया फिर बता दिया कि एक अंदर कर दिया, डिमोनिटाइजेशन कर दिया, उससे क्या निकला? सवाल ये जब हम पूछेंगे तो उनके राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव को काउंटर करेंगे। जब हम ये पूछेंगे कि आपने क्यों किया था नोटबंदी, क्या निकला आपके नोटबंदी से, ये सवाल जब हम लगातार करेंगे तो करेंगे। और पहली चीज देखिए, ये सत्ता में है, 282 सीटें आ गई है, ये सत्ता का चरित्र होता है कि किसी भी विचारधारा के जो फ्रिंजेस पे जो लोग होते हैं वो सेंटर में दिखने लग जाते हैं जब उसको नंबर आ जाए। ये सिर्फ मैं राइट की बात नहीं कर, राइट लेफ्ट कुछ भी हो, जब 282 किसी एक को मिल जाए इस तरह से तो जो फ्रिंजेस वाले लोग हैं वो सेंटर में दिखने लग जाएंगे, बहुत नेचुरल है ये। और मुझे बहुत भरोसा है कि कितनी भी नीयत खराब हो इनकी, कितनी भी इंस्टीट्यूशंस को मजल करने की कोशिश हो, कर नहीं पाएंगे ये। मैं बहुत हद तक इस बात पे, क्योंकि मुझे संविधान पे भरोसा है, इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है और देश पे भरोसा है। देश का मतलब देश के लोग, इनका जो देश का कॉन्सेप्शन है ना वो नहीं। तो पहले तो हमें इनके राष्ट्रवाद के उस काउंटर को करने के लिए हमें ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो असल भारतीय राष्ट्रवाद है, मतलब ये ना हो जाए कि जैसे कुछ लोग बताने, ये देखो सेक्युलर है जी, एज इफ सेक्युलर इज अ गाली, ऐसा बन गया ना। तो अब ऐसा बनने लगा है, देखो जी नेशनलिस्ट है वो लोग कह रहे हैं अब उधर से, जैसे कि नेशनलिस्ट गाली है। अरे नेशनलिस्ट होना गाली कब से हो गया? हम हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, लेकिन हमारे नेशनलिज्म का मतलब क्या है? हमारी नेशनलिज्म का मतलब विविधता का सम्मान है, हमारी नेशनलिज्म का मतलब है संस्कृति का सम्मान है, हमारी नेशनलिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी नेशनलिज्म का मतलब एक डंडा चला के हर किसी को एक करने की कोशिश नहीं है। वो जो मैकेनिकल मैन्युफैक्चर्ड नेशनलिज्म जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका भारतीय राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, वो भारत का तो है ही नहीं, राष्ट्रवाद तो छोड़िए, मतलब सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन यही हो जाएगा कि उनका जो राष्ट्रवाद जिसको वो राष्ट्रवाद कह रहे हैं उसका तो राष्ट्र से ही लेना देना नहीं है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो जर्मनी से लेना देना है उसको, वो जिसको राष्ट्रवाद बता रहे हैं। तो हमें एक अल्टरनेटिव तरीके से, अल्टरनेटिव भी नहीं, उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भैया तुम राष्ट्रवाद जो कह रहे हो, राष्ट्रवादी तो हम हैं, और हम वो हैं जो गांधी भगत सिंह की परंपरा को फॉलो करने वाले राष्ट्रवादी हैं। हमें विवेकानंद को उनके सामने पिच करना पड़ेगा, आप समझिए इस बात को। आज स्वामी विवेकानंद होते और वो कहते कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना, तो उनके नाम के आगे सबसे बड़ा ठप्पा क्या लगता? एंटी नेशनल। अरे गीता पढ़ने से बेहतर काम फुटबॉल खेलना कैसा हो गया? विवेकानंद भी एंटी नेशनल हो जाते आज होते तो। विवेकानंद जब घूम रहे थे देश भर में तो स्वामी जी क्या लेके घूम रहे थे? कमंडल और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लेके, तो वो भी आज एंटी नेशनल होते। तो हमें विवेकानंद ने जो बातें कही उनको उनके सामने उनको बताना पड़ेगा, और लोग उनको बताने से ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के उन लोगों को बताना जो स्वे हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव में, उनको बताना कि असल राष्ट्रवाद
क्या है भारत का, हम उस भारतीय राष्ट्रवाद की परंपरा से आते हैं, उस परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में हमारे सामने जो दुश्मन है वो राष्ट्रवाद का चोला पहनने का नाटक कर रहा है, ये बताने की जरूरत है सबसे पहले। पहला काउंटर तो ये, दूसरा अल्टरनेटिव एजेंडा सेट करना। देखिए मुद्दों पे मोदी जी बहुत कमजोर हैं, मुद्दों पे अगर बात की जाए, किसान का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, मतलब बाकी छोड़िए, चलिए किसान और मजदूरों के मामले में तो हम पहले भी नहीं मानते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो कुछ भला करेंगे, लेकिन उनके क्रिटिक्स भी इतना मानते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत शायद जॉब क्रिएशन कर दे किसी तरीके से, वो जिसको ग्रोथ कहते हैं वो वाला ग्रोथ कर दे कम से कम। फैक्ट तो ये है कि जिस वक्त हम कह रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है, उस वक्त का जो जॉब क्रिएशन था उससे भी बुरी स्थिति इस वक्त है जॉब क्रिएशन के मामले में। ये सवाल है जो उनको पिंच करने वाला है। वो आए थे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, आए थे कालाधन निकालने के लिए, ये सवाल है जो सबसे ज्यादा हिट करेगा। वो जब कहते हैं कि 20,000 से घटा के 2,000 कर दिया, ये जो नाटक और ड्रामा जो बताने की कोशिश करते हैं ये है जो उनको हिट करेगा। ये जो काले धन के नाम पे जो नोटबंदी हुई ये है जो उनको हिट करेगा। किसानों के मुद्दे पे ये ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो है, ये मुझे याद है 10 सवाल आपके राहुल गांधी से पूछते थे यूपीए के समय में, और कहते थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ग्राम और कृषि का एक सेक्शन बनाया, उसका पहला पॉइंट लिखा कि हम किसानों को 50% ऊपर कीमत देंगे अपनी फसल पे। ये लिखित वादा है इनका, और इस लिखित वादे को यूटर्न तो देखिए तरह तरह के होते हैं, बिना लिखे भी यूटर्न किए जाते हैं, सब करते रहते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लिख के वादा किया गया, और 6 महीने के अंदर अंदर इस सरकार के 6 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के एफिडेविट फाइल कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, इससे मार्केट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये है जो हिट करेगा जब आप किसानों के मुद्दे को लगातार इनको उठाएंगे। जब लैंड एक्विजिशन बिल का मामला उठा था उस वक्त मोदी जी बैकफुट पे थे, इतने पॉपुलर होने के बाद भी बैकफुट पे थे, और ये बैकफुट पे थे तभी जाके उन्होंने वापस लिया। उनकी बीजेपी भी नहीं चाहती थी, जेटली जी और मोदी जी चाहते थे कि लैंड एक्विजिशन बिल बस किसी तरह पास हो जाए उनको, लेकिन लेना पड़ा बैकफुट पे। तो मैं इसको समअप कर देता हूं एक लाइन में। पहला तो ये कि ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये इनके हाथ में पावर है, मीडिया है, ये बहुत हद तक ये जो बॉल फेंकने की बात कन्हैया ने कही वो फेंकते रहेंगे, और हमें और देश को उस बॉल पे थोड़ी देर खेलना पड़ेगा, लेकिन उस बॉल पे हमें ये बताना पड़ेगा बोगस कहाँ पे है, फर्जीफिकेशन कहाँ पे है इस पूरे खेल में, पहला ये। और दूसरा अल्टरनेटिव एजेंडा सेट करने की जरूरत, जो बिल्कुल कृषि, मजदूरी, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल फंडिंग, ये जो इश्यूज हैं और संघर्ष के जो मुद्दे हैं उसको लगातार चला के करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है कि कितनी भी नीयत इनकी गलत हो, कितनी भी नीयत खराब हो, ये कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। हमारा संविधान बहुत मजबूत है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ऐसे बहुत सारे ऑनस्लॉट्स को देख चुका है, आगे भी देखता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम सिर्फ 3 सवाल लेंगे और अपना संदर्भ छोटा रखें, सवाल छोटा रखें। हाय, माय नेम इज गुंजा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर शहजाद। शहजाद, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इज द ऑपोजिशन सो फ्रैक्चर्ड राइट नाउ? यू हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन द रूलिंग पार्टी ऑन थिंग्स लाइक डिमोनेटाइजेशन, इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ RBI, व्यापम, यू हैव गॉट द वर्क्स। इज इट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और हैव यू ऑल succumb to Modi flakes? You know what happens is that whenever a political party which has been in power for so long loses an election, loses it badly, and we've lost it very badly, it takes time to get your act together. It's not instant. It's a political party. You have to organize and reorganize many things. Look at, I gave the example of UK, United Kingdom ka maine example isliye diya ki Margaret Thatcher 18 saal tak shayad pradhanmantri rahi aur Labour Party 18 saal tak unka banwas raha. Mujhe nahi lagta ki Congress ka banwas itna lamba rahega. 2019 mein aapko dekhega ki wo change ho jayega. पर ये आपकी बात सही है कि ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इट सीम्स, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इश्यूज, देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कमज़ोरी नहीं रहती, अगर हमारे सारे स्टेट यूनिट्स, हमारे सारे कार्यकर्ता एकदम ठीक से जान लगा के काम कर रहे होते, अगर हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता तो हम चुनाव ही नहीं हारते। तो ये तो स्पष्ट बात है कि हम चुनाव हारे, इसकी वजह ये थी कि हमारी कमज़ोरियाँ थी। एक चीज़ जो मैं हमेशा मैं अपने लेवल पर या मैं अपनी पार्टी से कहता हूँ कि नेहरू जी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और मैं हमेशा कोट करता हूँ, नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया, तब जनसंघ थी, जनसंघ वाज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग, दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वाज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं, आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। नेहरू जी हैड द करेज
to fight that battle of secularism. I don't want to use that term, but he, if you can understand what I'm trying to say, he had the goddamn courage, okay? I want to use another word, but you know what I'm trying to say. He had the guts to take it on and not compromise on his principles. He did what was right for this country. And people supported him election after election after election, even though communists were very strong at that time, even then. So I think what we need to do as a party, and Gaurav ji is here, yesterday he took up the issue of Sanskrit being compulsorily imposed in Assam. We need to fight this communal Hindutva agenda with full-on secular liberal values without compromising on it one bit. We should not think ki yahan pe ek chunav mein kam fayda hoga, zyada fayda hoga. If we do it with the courage of our conviction, people of this country, like who are they voted Justin Trudeau in Canada, they will go for a person like Rahul Gandhi, who represents some kind of honesty and sincerity in politics, which Modi does not represent. So I think we should be full-on secular, progressive, liberal, and we should do it brazenly. Just like they're brazenly communal, be brazenly secular. Thank you. We started this discussion with future of politics. So there are two questions. In short, I'll ask. First is, I don't see any youth politician going for a talking about the merit. Like there is no merit-based politics in India. So even the youth doesn't come up with these things. I saw a video on the YouTube some days back. I don't know Finland or Switzerland, but in the local, they have to cycle on a slope. So what they did, they made a instrument so that they can push the cycle on that thing. We don't see politicians coming up with these ideas, something like the solutions for the local thing. So this is one, there is no merit based. Agar koi person hai jo local politician hai, is cheez ko kahin nahi hai. Hum baat karte hai ki ladkiyon ko empower karna hai UP mein, education ka mudda. Even in those things, hum kehte hai ki wahan pe laptop free baat diye, cycle wo freebies to bahut sari hoti hai, but actual mudde pe 1 lakh crore, but giving a laptop to a poor kid is a freebie. No, no, this is the problem, sir. This is the problem. I don't agree with you. No, not a laptop. I don't question you. I don't, it is his economic right to get that laptop, and okay. I challenge him any politically. Not of the Congress, even in the SP, in every state, it is in the every state that freebies has been taken as a minimum thing, that a freebies do election jeeto, freebies do election jeeto. There is no such thing ki aap ek aisi cheez, social mudde pe koi baat nahi hoti. Unhone cycle ke liye wahan pe logon ko problem ho rahi thi, local issue ko unhone resolve kara. There is no such thing कि आप local issues को resolve करो। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो freebies हैं, ठीक है, वो बड़ी ही एक गलत वो प्रथा चला रही हैं। लेकिन वो freebies जिनको मिल रहा है, उनके लिए वो कई बार बहुत फायदेमंद भी होता है, उनको वो चाहिए भी होता है। I'm sorry, तो हमेशा I will not be apologetic for giving young students in this country who deserve an opportunity just like me or like you, and you're well to do. If you are not well to do because of some, you are in a particular social circumstances. Those who are not in those social circumstances, they deserve the first right on the resources of this country. And if at all possible, if the day I go to parliament, if I do, I will make sure that every rupee is taken from Andani and every young student gets a laptop. Stop me if you can. No, you can stop me if you can. Basically, I think इसमें एक आंसर मिल गया है, तो मैं नहीं, मैं आपके आपके सवाल पे देखिए, वोट लेने के जनरली दो तरीके रहे हैं, या तो आप होप जनरेट कर सकें या फियर जनरेट कर सकें। ये दोनों में से जब कोई नहीं कर पाता है तो ये पॉपुलिस्ट जैसे तरीके, आई वुड डिसएग्री विथ शहजाद भाई। देखिए, एक तो बेसिक लिविंग नेसेसिटी के लिए जैसे दिल्ली सरकार ने पानी कर दिया, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट, लेकिन अब ये लैपटॉप दे देना, फिर घी दे देना, फिर शक्कर दे देना, फिर साइकिल दे देना, फिर ये कर देना, ठीक है, उसके पीछे का एक पॉजिटिव इंटेंट भी हो सकता है, कई बार हो सकता है, लेकिन ये पॉपुलिज्म को ही बढ़ावा देने वाली पॉलिटिक्स है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो होप जनरेट नहीं कर सकते, एजेंडा सेट नहीं कर सकते, एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ दैट दे विल गेट वोटेड इनटू पावर एजेंडा सेट। आई थिंक हमें वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। ज़्यादातर अपना एक अप्रोच सभी तीनों लोगों ने अपना बता दिया है, इन युवा नेताओं ने बता दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।